मुसलमान बिरादरी को आंख नहीं दिखा सकता है। लालू प्रसाद यादव अकेले हैं उनको ठीक करने के लिए और मरम्मत करने के लिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। विधायक जी, अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो भाईचारा यात्रा पर निकले हैं वो मुसलमानों को चारा देने का काम कर रहे हैं। ये पता नहीं अख्तरुल साहब क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, नहीं जानते हैं। चूंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, किनके लिए काम करते हैं और किस समाज का काम करते हैं, हमको ये जानकारी नहीं है। लेकिन महागठबंधन जो बना है भाईचारे का संदेश लेकर पूरे देश में घूमता है और हर जाति, हर बिरादरी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को सम्मान करने का काम करता है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला पहला हिंदुस्तान और देश और दुनिया में आदमी है। उनके रहते कोई भी एक बिरादरी या मुसलमान बिरादरी को आंख नहीं दिखा सकता है। इसलिए ये बयान बेतुका है और बेबुनियाद आरोप है। ये आरोप को उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में मुसलमान डरे हुए हैं, खौफ में हैं। यहाँ मुसलमान कभी डर नहीं सकता है। जो डराने वाली शक्तियाँ हैं उसके लिए लालू प्रसाद यादव अकेले हैं उनको ठीक करने के लिए और मरम्मत करने के लिए। प्रधानमंत्री ने कल अपने सांसदों के साथ बैठक किया, उस बैठक में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, कम सीट होने के बावजूद हम लोगों ने उन्हें CM बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। क्या लगता है? सवाल है कि देश को धोखा वो दे रहे हैं, जो वादा किया वो तोड़ दिया। वादा उन्होंने किया था कि देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन कभी बोलो उन्होंने 18 करोड़ आज तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। न किसानों के खेतों में पानी दे सके, न किसानों के उपज का सही दाम दे सके और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस का राज था तो 300 रुपये सिलेंडर था, 265-300 रुपये, तो ये लोग सिलेंडर लेकर कहते थे कि ये महंगाई कहाँ से आई, तो फलना के माई से भी आई का तरह तरह का नारा देता था लोग। अब ये लोग के ज़माने में 1200 समथिंग सिलेंडर हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है। देश की गाड़ी कमाई का पैसा अडानी अंबानी को पंप किए जा रहे हैं। तो ये देश को लूटने वाला तो ये शक्ति है, देश को बर्बाद करने वाला शक्ति है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये स्नो पाउडर लगाकर निकलता हो, मेकअप करके निकलता हो, और मेकअप करने वाले का तनख्वाह, पगार जिसको कहते हैं 15 लाख हो, उस देश का भगवान ही मालिक है, दूसरा कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे। आए दिन किसी न किसी वायरल वीडियो के माध्यम से यह बातें निकलकर सामने आती है जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग यह कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। आज अख्तरुल ईमान ने भी कहा कि मुसलमान खतरे में है। कौन खतरा में? हिंदू खतरा में है या मुसलमान खतरा में? देखिए, कोई खतरा में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान कर देश को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के रहते देश में न बंटवारा हो सकता है और न हिंदू मुसलमान करके किसी से वोट लिया जा सकता है। यहाँ के मुसलमान डरे समय कभी नहीं है, ये गलतफहमी में लोग ना पड़े। मतलब लालू प्रसाद यादव के रहते मुसलमान को कोई खतरा नहीं हो सकता? कभी कोई खतरा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए कोई खतरे से में नहीं है। तो निश्चित तौर पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमान खतरे में है, खौफ में जी रहा है, लेकिन RJD का साफ तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रहते, तेजस्वी यादव के रहते, नीतीश कुमार के रहते मुसलमान पर किसी भी तरह की कोई आफत नहीं आ सकती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।